हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है शर्मा स्टडी सेंटर। ठीक है, जैसा मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं BHU एंट्रेंस, ICAR और UP कैटेट के बारे में बताऊंगा, ठीक है, और उस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है वो बताऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि BHU, BSC एंट्रेंस और ICAR और तथा आपका यूपी कैटेट, ठीक है, इसमें जो केमिस्ट्री का सिलेबस होता है जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आपसे बताऊंगा। ठीक है, इसमें मैंने एक दो चैप्टर को छोड़ दिया है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बाकी सब को मैंने कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं बताऊँगा। ठीक है, पहला कि आपका केमिस्ट्री से है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब उसको हम कह सकते हैं मोल कंसेप्ट। ठीक है, इससे भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन पर ईयर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और दूसरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर से देखिए बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे कभी कभी एक या पूछेगा या फिर एक भी नहीं, यानी जीरो, एक भी नहीं पूछेगा। ठीक है, जो इसमें आपको जो इस चैप्टर में बताया गया है, जब आप फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे चीज़ें आ जाएंगी, तो वहाँ भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मैटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन पर ईयर पूछे जाते हैं। ठीक, फिर उसका है आपका अट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें आपको करना क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, लेकिन इसमें आपको याद रखना तो क्या है कि जैसे एल्यूमिनियम का ओर याद रखना है, आपको आयरन का ओर याद रखना है, कॉपर का भी ओर याद रखना है, ये आपको पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक, फिर उसके बाद है पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज़, प्रेडिक्टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आपका चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पर ईयर क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। इस पर केमिकल बॉन्डिंग इज़ वेरी वेरी। नेक्स्ट आपका है फिर थर्मोकेमिस्ट्री, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पर ईयर पूछे जाते हैं। फिर आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसमें भी आपका क्वेश्चन से बहुत ही अच्छे आते हैं, इसमें 4 क्वेश्चन पर ईयर पूछे जाते थे। फिर आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी पर ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर केमिकल काइनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, फिर आपके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं आपका सॉलिड स्टेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 1 क्वेश्चन ही राइट, मतलब कंपलसरी 1 क्वेश्चन पूछना है, 1 क्वेश्चन पर ईयर देखेंगे आप क्वेश्चन उठा करके, तो उसमें पूछा हुआ है। फिर सोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, सोल्यूशन हर एक स्टूडेंट को ही क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे देता है, तो उसमें आपको IPSC नाम पूछता है, IPSC नाम का क्वेश्चन ज़्यादा आता है BHU में। ठीक है, तो अब पॉलीमर में क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस केमिस्ट्री से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, फिर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप आपका पढ़ना, जैसे मान लेते हैं आपका 15, 16, 17, 18 इसे पूछेगा, तो आपको ये खुद से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये किसी की कोचिंग में तैयारी नहीं कराया जाएगा कि इसको कैसे पढ़ना, क्योंकि आपने 11th और 12th में इसको पढ़ रखा है, तो इसको आपको खुद से रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद DFF में इतना परेशान नहीं होना है, अगर आपको समय मिलता है तो एक बार इस पर इसको पढ़ लेना है, बस ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री, होल केमिस्ट्री, अगर आप इसको अगर बढ़िया से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये हाइड्रोकार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ सल्फर, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इस सबको कैलकुलेट करना जान जाते हैं, या फिर मॉलिकुलर फार्मूला, इंफेरिकल फार्मूला, या फिर जो रिएक्शन उसका मैकेनिज्म जान जाते हैं, इंटरमीडिएट्स क्या बनता है वो जान जाते हैं, कन्वर्जन बेस्ड ऑन रिएक्शन, रिएक्शन का जो होता है उसमें कन्वर्जन उसको कैसे होता है, फॉर मीथेन से ईथेन कैसे बनाएंगे, ईथेन से अल्कोहल कैसे बनाएंगे। ठीक, तो लास्ट जो आपका है क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेम रिएक्शन में, जैसे वुड रिएक्शन हो गया, वुड फिटिंग रिएक्शन हो गया, ठीक है, कंडेंसेशन हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तैयार कर लेते हैं तो आपका लगभग 50% आपका इंट्रेंस
क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द मोस्ट पार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपको तैयार रखना है।